हाय गाइस, तो अगर आपको भी इस तरह का बैनर बनाना है यूट्यूब के लिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि यूट्यूब के लिए बैनर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है इस एप्लीकेशन को, एंड एप्लीकेशन का नाम पिक्सल लैब है। सो इसे ओपन करने के बाद आपको डिफॉल्ट पे आना है, एंड यहाँ थ्री डॉट है। थ्री डॉट पे आने के बाद आपको इमेज साइज लेना है, एंड इमेज साइज लेने के बाद यहाँ पे कस्टम दिखेगा, कस्टम पे आना है, एंड यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल बैनर दिख जाएगा, तो इसको सिलेक्ट कर लेना। ओके, एंड जो टेक्स्ट पहले से ऑटोमेटिक डिफॉल्ट सिलेक्ट है उसको डिलीट कर देना। ओके, एंड उसके बाद मुझे फ्रॉम गैलरी के अंदर जाना है, एंड यहाँ से मुझे डाउनलोड के ऑप्शन में किया है, जैसे इस PNG में आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको आप यूज़ करके बना सकते हो बैनर। सो इसे मैं सिलेक्ट किया, एंड इसे आपको बड़ा कर देना, लॉक कर देना, ठीक है। एंड उसके बाद हमें इसका कलर चेंज करना है बैकग्राउंड, तो कलर चेंज करने के लिए आना है इस आइकन पे, कलर कर लेना, कोई भी कलर चूज कर लेना है। तो मैं ब्लैक कर सकता हूँ, लग रहा है तो मैं वाइट को क्लिक किया, एंड मेरा बैकग्राउंड जो वाइट दिख रहा है। एंड अगर आपका नाम से यूट्यूब चैनल है तो आप अपने नाम से बैनर बना सकते हैं, चैनल कुछ और भी हो सकता है, तो उसके यहाँ पर आप बना सकते हो। जैसे कि मेरा जो यूट्यूब का चैनल है, जो यूट्यूब का चैनल है वो मेरा टेक इसको कॉपी कर लेना है, एंड असिस्टेंट 16, ओके, एंड ओके कर लेना है, एंड इसे मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। एंड इसे मैं थोड़ा सा बोल्ड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे टेक्स्ट एडिटिंग का ऑप्शन देता है, इसे स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। सो इस पे स्टाइल पे आना है, एंड इस पे बोल्ड कर लेना है, एंड इसे ओके करना है, एंड इसे भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। सो अगर आपको कलर चेंज करना हो तो कलर के आइकन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ से आपको कलर चेंजेस करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सो मैं इसको कस्टमाइज करके मैं कलर खुद से बनाऊंगा, कर देंगे, ओके। एंड उसके बाद मुझे और भी कुछ PNG लेना है, सो यहाँ से मैं यूट्यूब का PNG लूँगा, एंड इसे अपने लेफ्ट साइड में रखूँगा, ओके, एंड इसे भी लॉक कर दूँगा, एंड और भी PNG है सो उसको भी लेना है। तो मैं PNG को लेता हूँ, ठीक है, इस PNG के लिए, एंड थोड़ा सा सैड इफेक्ट देगा हमारे बैनर में, सो इसे भी लॉक कर देना है। एंड उसके बाद फिर से मैं एक और PNG लेता हूँ, सो अगर आप सोशल मीडिया चलाते हो तो उसके अगर फॉलो करवाना चाहते हैं आप, तो वही इस PNG का यूज़ करना। सो यहाँ पर मैं इसे लगा रहा हूँ, एंड एक्स्ट्रा करना है, एंड यहाँ पर लिखना है
करके आगे लगा देना, ठीक है। एंड हो गया, एंड इसे लॉक कर देना है। सो इसके बाद और भी कुछ PNG हैं जिसे हमें लेना है। सो यहाँ पे अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। तो अगर आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो। तो मैं इसका कलर ऑरेंज कर दूँगा। ओके, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है देखने में। एंड उसके बाद कुछ और भी PNG हैं मेरे पास, जिसको लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हो आप। सो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने लिए YouTube के लिए करना काफी अच्छा बैनर बनेगा। PNG है जिससे मैं ले लेता हूँ, जो बैनर है वो रेडी हो चुका है। तो इस प्रकार से आप अपने YouTube के लिए बैनर बना सकते हो। तो अगर ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।